तो कैसे हैं आप लोग? अरे वेलकम बैक गाइस टू द कैप्टन रिकोर्सर्स। वी आर बैक इन वन वीडियो और आज हम आए हैं बहुत ही स्पेशल जगह जिसका इतिहास में, बेसिकली भारत के इतिहास में अपनी बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए, हम कहाँ पे आए हैं? जैन टेम्पल है ये, और ये इसे हरसिंह टेम्पल के नाम से जानते हैं, और ये बहुत हिस्टोरिक है और बहुत पुराना टेम्पल है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। चलिए चलते हैं। ये है यहाँ का मेन गेट जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। आपको सीधे मेन रोड से ही आपको ये एंट्रेंस दिख जाएगा, जिसके जस्ट राइट में आपको एक कीर्ति वाला जो स्तंभ है वो दिखेगा, और उसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर दिखेगा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज लगता है, और अगर आप कैमरा लेके जाते हो तो 100 रुपीज़ चार्ज इसका अलग से लगता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये कीर्ति स्तंभ जो है ना, वो एकदम आपका डिट्टो कॉपी लगता है जो चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ है उससे, क्योंकि ये उसी के बेस पे बनाया हुआ है। ये टोटल 6 फ्लोर कंसिस्ट करता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। देखो, इसमें 6 फ्लोर्स हैं टोटल, और ये 6 फ्लोर्स में इसके अंदर भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जो इसमें पहला वाला फ्लोर है नीचे, उसमें भगवान तीर्थनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है, बट जब हम गए थे तो ये दरवाज़ा बंद था। आप देख सकते होगे इसकी 6 फ्लोर्स जो हैं, हर एक फ्लोर पे बहुत ही अच्छी तरीके से मूर्ति कलाएँ बनाई गई हैं, जिनको बहुत ही प्यारे तरीके से तराशा गया है। यकीन मानिए, आपको ये देख के मज़ा आ जाएगा। कीर्ति स्तंभ से आगे बढ़ते ही आपको सामने ही दिख जाएगा मेन हथी सिंह का टेम्पल। ये एक जैन टेम्पल है जिसको हथी सिंह ने जब गुजरात में अकाल पड़ा था उस दौरान बनवाया था। ये 1848 में बनना शुरू हुआ था, बट हथी सिंह की डेथ हो गई थी इन 1849। जब उस समय में उनकी एज जो थी वो 49 थी, तो वो 49 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनकी वाइफ ने ये काम को टेक ओवर किया। सेठानी हरकुंवर ने इस मंदिर को बनाने में काफ़ी मेहनत करी थी, और उन्होंने इसका पूरा कार्यकाल 2 सालों में समाप्त किया था। उन 2 सालों में उन्होंने हज़ारों लोगों को इसको बनाने के लिए हायर किया था, जिसमें उस समय पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी और लोगों को खाने के लिए पैसा मिला था। और इन्हीं सब कई सारे कारणों के वजह से ये अहमदाबाद का एक मुख्य जैन टेम्पल में गिना जाता है। आप मीनारों की बात करें, या आप बात करें किसी भी एक द्वार की, या आप बात करें ऊपर बने गुंबदों की, या आप बात करें कलश की, हर एक चीज़ पे जिस भी तरीके से आप देखो, उस तरीके से आपको नक्काशी बेहतरीन तरह से नज़र आएगी, और हर नक्काशी अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। आप द्वार पे पहुंचते ही आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह मंदिर कितना सुंदर है और इसको कितनी ही मेहनत और नक्काशी के साथ बनाया गया है। मेन गेट से अंदर घुसते ही आपको एक चीज़ और भी पता चलेगी कि इस मंदिर को बनाने में कई सारे स्तंभों का उपयोग किया गया है, और हर स्तंभ पे जो सिमेट्रिकल लाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जो पत्थर हैं उनको बहुत जोड़ जोड़ के बनाने की कोशिश की गई है। और उस टाइम पे इतनी सिमेट्रिकल बनाना, आई डोंट नो उन्होंने कैसे बनाया, बट ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। आपको ये कॉरिडोर्स देख रहे हैं, ये कॉरिडोर में 52 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें जो तीर्थ आते थे उस टाइम के जो तीर्थ थे उनकी मूर्तियां स्थापित
की गई हैं। मंदिर पे ऊपर से लेके नीचे तक आपको हजार तरीके की मूर्तियां मिल जाएंगी, जिसमें अलग अलग कन्याएं अलग अलग तरीके की मुद्राएं करते नजर आएंगी। कोई सितार बजा रहा है तो कोई गिटार बजा रहा है। आपको अलग अलग तरीके के वाद्य, जो वाद्य यंत्र होते हैं, वो वाद्य यंत्र बजाते और नृत्य करते तस्वीरें दिखेंगी। ये पूरा मंदिर वाइट मार्बल से बनाया गया है, पर अब इसका कलर थोड़ा थोड़ा येलोइश हो चुका है। ये मंदिर अभी भी दो फ्लोर में है, ऊपर वाले फ्लोर पे आपको एक्सेस नहीं है, पर आप नीचे वाले फ्लोर पे पूरा मंदिर घूम सकते हो। मेन टेंपल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम वहाँ की फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकते और हम ये चाहते भी नहीं। सो आप प्लीज़ आओ, देखो और एक्सपीरियंस करो कि यहाँ पे मंदिर के अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके मन को बहुत शांत करेगी। ये कॉरिडोर इतने ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि उस टाइम पे जो लोग रिच हुआ करते थे वो एक्चुअल में रिच हुआ करते थे, क्योंकि इसे बनाने में हथी सिंह का बहुत ही पैसा खर्च हुआ था। बाहर निकलने के बाद हमने एक और राउंड व्यू लिया था जो आप देख सकते हो। इस राउंड व्यू में आपको लेफ्ट हैंड साइड कीर्ति स्तंभ और राइट हैंड साइड पूरे मंदिर का व्यू दिखेगा। सो उसी रास्ते से आपको निकलना है बाहर वापस, जहाँ पे आपको दिख जाएगा म्यूज़ियम फिर से, तो आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो। सो गाइस, हमने कोशिश कर ली जितना हम आपको दिखा सकते थे मंदिर अंदर से। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इसका जो एटमोसफियर है वो बहुत शांत है। और हम इसमें कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, मतलब कैमरा शूटिंग अलाउड नहीं है। आप जा सकते हो लेकिन कैमरा शूटिंग अलाउड नहीं है। तो बेसिकली हमने बिल्कुल भी ऐसा कोई रूल नहीं तोड़ा कि हम अंदर जा करके मंदिर की कोई ऐसी जो फुटेज हो जो हमने रिकॉर्ड करके आपको इंटरनेट पर डालें, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं करना चाहते। आप आओ देखो और आई डेफिनेटली से दैट कि आपको बहुत ही पसंद आएगा ये मंदिर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट वीडियो में।